This movie uncoded by Patty 87. सन 926 बलहाई साम्राज्य की राजधानी पर गैरोन ने कब्जा किया और वहां अपना साम्राज्य स्थापित करके उस देश को डोंगरंगुक नाम दिया, जिसका मतलब है पूर्वी गैरोन। लेकिन बलहाई की बची हुई फौज और प्रजा अपने देश की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे। डोंगरंगुक की काली फौज ने हमला किया है, बचाव के लिए तैयार हो जाओ, हिम्मत से मुकाबला करो। मुझे खुशी हुई कि कातिल फौज के गुनवा पे उनसे मिलने आए हैं। मैं इतनी दूर तुमसे एक बात पूछने के लिए आया हूं कि क्या डोंगरंगुक का तुम सहयोग करोगे? मैं एक इंसान हूं गुनवा पे, तुम चाहते हो मैं गैरोन का पालतू कुत्ता बनूं तुम्हारी तरह?
मैं अफसोस के साथ ऐलान कर रहा हूं कि हमारे होने वाले शहंशाह शहजादा सर यून का गुनवा पेयू ने कत्ल कर दिया। गुनवा पेयू उस कमबख्त ने शाही खानदान के सभी लोगों को मार दिया। कमीनिया, खबर के सब जगह फैल जाने की वजह से हमारी फौज और आवाम सदमे में है। यह बहुत बड़ा मसला बन गया है। ऐसे मौके पर एक शहंशाह की मौजूदगी जरूरी है। शहजादे सुहियन की मौत के बाद कौन शहंशाह बनेगा? अब भला कौन बचा है? एक शहजादा बाकी बचा है, लेकिन उसका अता पता कोई नहीं जानता। कौन है वो शहजादा? शहजादा जियान जियान को भूल गए तुम? क्या खबर लाए हो? मैंने मायंगोक और मोबाइल को जुनगुआन भेज दिया। अच्छा किया। मायंगोक बड़ी जांबाज लड़की है। वैसे खबर मिली है बलहाई से भी कोई जांबाज जियान जियान की तलाश में गया है। कौन है वो? अभी तक पता नहीं। तुम लोगों में से किसी को पता है कि वो कौन हो सकता है? शहंशाह आर्यन का पांचवा फर्जंद है शहजादा जियान जियान। 14 साल पहले कुछ सियासती तब्दीलियों की वजह से उसे जुंगवान रवाना किया गया था। तब से वो लापता है। कातिल फौज भी उसकी तलाश में जरूर रवाना हो चुकी होगी। वो उनके हाथ लगे उससे पहले शहजादे को तुम्हें ढूंढ निकालना होगा। हुकूमत करने के लिए एक शहंशाह हो तभी अवाम एकजुट होती है। आपस में लड़ना छोड़कर अवाम और फौज एक दूसरे का हाथ बटाएंगे तब हमें कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा। इतना ख्याल रहे सोहा, बलहाई की तकदीर अब तुम्हारे हाथों में है। सब कुछ ठीक ठाक है ना? मजा आ गया? हाँ, बहुत मजा आया। सोसम? हाँ वही। तुम्हारे पास क्या है? अरे बेचने के लिए क्या लाई हो तुम? वो जब मैं उन जनाब से मिलूंगी तब मैं उन्हें बताऊंगी। जनाब? वहां बैठो, वो आ जाएगा। मुझ पर भरोसा करो, ये बिल्कुल असली चीज है। बस इतना बता दो तुम इसकी क्या कीमत दोगे? यहां ऐसी चीजों के खरीदार और भी बहुत से हैं, तो आप लोग मेरे पास ही क्यों आए? सुना है तुम्हारे साथ धंधा करना आसान है और बाद में कोई खास परेशानी भी नहीं होती। वो तो है। वैसे आमतौर पर मैं किसी को परेशान नहीं करता, उसके बाद कीमत की बात आती है। तो ठीक है, तुम इसकी क्या कीमत दे सकते हो? 50 जियान। अबे साले, ये भी कोई कीमत हुई? जोश में आने की कोई जरूरत नहीं, मैं 80 जियान से ज्यादा नहीं दे सकता।
मंजूर है। अरे माल मिल गया ना। ए सोसम यहाँ। पता नहीं आपको मेरा नाम किसने बताया, लेकिन आप सही जगह आई हैं। मुझे भी आप जैसे शरीफ लोगों के साथ सौदा करना अच्छा लगता है, और वैसे आपको भी भरोसेमंद आदमी तो मिलना चाहिए। बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं, आप मुझे अपना शुभ नाम बताएंगे? आप सोसम से मिलने आई है ना, आपका असली नाम जानना चाहती हूं। यहां बहुत भीड़ है, मेरे साथ चलिए। आपके पास जो खंजर है, दुनिया में इस तरह के दो ही बने थे। वैसे मुझे लगा था कि आजकल बहुत से अजनबी मुझे ढूंढ रहे हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं शहजादे। कातिलों को मैं कभी गलत नहीं समझता। तुम्हारा एक और एहसान चाहिए। ओए सोजामी, पूछा ही रखी बोई ना। नेगा तो घूमा जी। जुमल खा पा रहा। मैं कभी गलत नहीं समझता। तुम उसके पीछे नहीं जाओगी? मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप गलत नहीं समझते। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। ओ, मदद करूं? लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। देखो मुझे औरतें। लेकिन आप हजम नहीं कर पाएंगे। मैं जान लेना देना ही जानती हूँ, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं। मैं हजम नहीं कर पाऊंगा। इसे बात करके कोई फायदा नहीं, खत्म कर दे साली को। मैंने कहा ना, तुम हजम नहीं कर पाओगे। कोई आगे मुझे बचाओ। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। तुम कुछ भी करो, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए मेरे पास सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें जो जानना है मैं बता दूंगा। आप बैठे रहिए शहजादे।
मैं बलहाई फौज की सेनापति योन सोहा हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कीजिएगा। माफी देने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? पता नहीं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। वहां की हुकूमत एक भगोड़े शहजादे को जिंदा छोड़ेगी और दूसरे शहजादों को? अब कोई शहजादे नहीं रहे, सब शहीद हो चुके हैं। शहजादे वो शाही विरासत के आप ही आखिरी चिराग हैं। मैं फानूस बनके आपको महफूज ले जाने आई हूं। मैं यहां पर इस तरह पिछले 14 सालों से कातिलों से बच के रह रहा हूं। मैं महलों के दर्दनाक जिंदगी को भूल भी चुका हूं, और तुम कहती हो कि मैं भलाई का शहंशाह बनूं? तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? ठीक है, माना कि तुम सच कह रही हो। तुम समझते हो कि मैं बेवकूफ हूं। शहंशाह तो एक खिताब है। अगर मैं शहंशाह बन भी गया तो क्या होगा? ग्यारह के लोग मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे। तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या है? किसी भी तरह खुद की हिफाजत करना। ताज रखने के लिए कम से कम शर्त हो। शहजादे नहीं, लड़के लड़ाई के बाद लूले लंगड़े बन के लौट आए, ये तो मेरे लिए बदनामी की बात है। वो मैंने नहीं किया। मैंने कब कहा कि ये आपने किया है शहजादे? आप लोग मैदान जंग से आने वाले फौजी है ना? अब तुम ही बताओ। बोलो, क्या बताऊं? अपनी असलियत के बारे में, ताकि मैं तुम्हारी कीमत लगा सकूं। जब मैं तुम्हें उनके हवाले करूंगा तो मुझे मुद्रा कितना मिलेगा? तुम सब एक जैसे हो, मार पड़ने के बाद ही मुंह खोलते हो। रुक जाओ। हम लोगों को किसी ने मारा था? तशरीफ लाइए, मैं आपकी काबिलियत के बारे में बहुत सुन चुका हूँ। वैसे मोहतरमा, इस गिरोह का मैं सरदार। तुम लोग अपने हाथ उन पर से हटा दो। उनसे कह के कोई फायदा नहीं। आपको मुझे खुश करना होगा, क्योंकि इस गिरोह का मैं सरदार। बोलती बंद हो गई। शहजादे, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये दोनों तो एक साथ है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हिफाजत करूंगी। योन सोहा, तुम यहां? आखिर हमारा सामना हो ही गया। ये पहली बार है मायंगॉक कि हम दोनों का आमना सामना हो रहा है।
सरदार अब हम क्या करें? अरे फिक्र मत करो, ये हमारा इलाका है और हमारे पास ज्यादा लोग भी हैं। अब ये लोग कौन हैं? ये डोंगरांगों की मदद करने वाले कातिल फौज है। ए, वो जो खून बहाने से कोई फायदा नहीं है, जियोन ज्ञान को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। मुझसे बेहतर तुम जानते हो कि ये नामुमकिन है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सब लोग रुक जाओ। क्या चाहते हो? मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है मुझे तुम लोगों से हाथ मिलाना चाहिए। दफा हो जाओ। तुम्हें मुझसे सौदा करना होगा। ना ना छरी बांगर मा कोई ना। मुत्रे शहजादे, आप मेरे साथ चलिए। क्या? हमें यहाँ से भागना होगा अभी इसी वक्त। रुको, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? कुछ तो बताओ। बचिए। आते ही रहेंगे, आपको उन लोगों से दूर रहना है। चलिए मेरे साथ चलो। सच सच बताओ, कौन हो तुम? कातिल फौज के बारे में क्या जानती हो तुम? कातिल फौज बलहाई की है लेकिन दुश्मनों का साथ देती है। गैरों ने उन्हें आपको मारने के लिए भेजा है। अच्छा, इसी वजह से तुमने अपनी पहचान नहीं बताई। पहले मुझे जानना था कि आप ही शहजादे हैं। ये बताओ, तुम मेरे भाई सोहायों को कैसे जानती हो? कभी शहजादे सोहायों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी। अब हमें जाना चाहिए। कहां जाएंगे? यही महफूज जगह है। ये जगह महफूज नहीं है। जब तक आप यहां रहेंगे
आपके पकड़े जाने का खतरा रहेगा। जरूरत पड़ी तो शहर के तमाम लोगों को वो मार गिराएंगे, इसीलिए उनका नाम कातिल फौज है। आप कह रहे थे ना कि ताज रखने के लिए शर्त हो, तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तो मेरे साथ चलो, यहां से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता है। तुम नहीं पियोगी? क्या यही वो खुफिया रास्ता है जिसका आपने जिक्र किया था? लंबा सफर करने के लिए भरपेट खाना जरूरी होता है। ये लोग बिडोमन हैं, इनके सरगना थे पेक्टो बैंक। इनके निशान देखा? जब से इनके सरगना की मौत हुई तब से ये लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं। अब हमें जाना चाहिए शहजादे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जाने का फैसला मैं करूंगा, अगर ना चाहूं तो नहीं जाऊंगा। कौन हो तुम लोग? मेरी मालकिन ने मुझे हुक्म दिया है, ये आप लोगों से कुछ जानना चाहती है। कौन? ये लड़की? ये क्या जानना चाहती है? बाहर लोग कह रहे हैं कि आपके सरगना की मौत औरतों के साथ ज्यादा सोने से हुई है, क्या सच है बताओ? इनकी बातों को नजरअंदाज कीजिए, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम पिताजी का मातम मना रहे हैं और तुम लोग मारपीट कर रहे हो। इसने आपके पिता पर तोहमत लगाई तो हमसे रहा नहीं गया। इन्होंने ऐसा क्या कहा, जरा मुझे भी तो बताओ। इस बदतमीजी के लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। परछाई आपका साथ छोड़ सकती है लेकिन मैं नहीं। चलिए। हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या करेंगे? आपकी मदद के लिए मैं आपकी एहसान मंद रहूंगी। ये क्या कह रही हो? ऐसी बात सुन के मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? अगर मेरा बस चलता तो उसे दो चाटे मार देती। तुम बहुत भोली लड़की हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी बात की फिक्र मत करना। अब चले। सुनो, ये सब कैसे हुआ?
हमारी कहानी सुनने के बाद वो हमारी मदद करने चली आई। कहानी? तुमने उसे सब कुछ बता दिया? क्या तुम पागल हो गई हो? अब पूरे शहर में ये बात फैल जाएगी। मैंने उनसे कहा कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग आए हैं और मैं आपको वापस उनके पास लेके जा रही हूँ। तुम तो योद्धा हो, तुम लोगों से इस तरह झूठ कैसे बोल सकती हो? सिर्फ खंजर और तलवारों से जंग नहीं जीते जाते शहजादे। पहन लो, यहाँ से लंबा सफर है और बहुत ठंड भी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर जुकाम हो गया तो मुझे मत बोलना। अब चलिए। तुम इतना अच्छा जो लड़ती हो, कहाँ से सीखा? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तलवारबाजी सीखी है। तलवारबाजी में तो तुम कमाल की हो, कहां से सीखी? मैंने तलवारबाजी फौजियों से सीखी। हालात कुछ ऐसे थे इसलिए मैं बचपन से फौजियों के बीच रही हूं। हर दम कांटों पर चलती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का छोड़ चुका होता। क्या सोच रही हो? मुझे तो घोड़े चाहिए। घोड़े चाहिए? तुमने तो आसानी से कह दिया। कपड़ों को चुराया जा सकता है लेकिन घोड़ों को चुराना इतना आसान काम नहीं है। खैर, सुबह होने तक सब्र करो। मैं उनकी कीमत चुका सकती हूँ। बाप रे, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। अरे वाह, कौन है ये? भाई सौसम, कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए ग्राहक लाया हूँ। ग्राहक? घोड़े? इनमें से कौन सा पसंद है बोलिए। मुझे वो आखिरी वाला काला घोड़ा चाहिए और वो चौथा वाला भी। आपकी पसंद अच्छी है लेकिन अच्छे घोड़े की कीमत ज्यादा है। वैसे आप सुजान भाई के साथ आई है तो मैं आपको कुछ छूट दे दूंगा। आपके लिए दोनों घोड़े 300 जियान में है। सुजन भाई, ये लो, ये रहा आपका हिस्सा। लेकिन सुनो, वो दोनों घोड़े बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो चोरी के हैं ना। आहिस्ता बोलो। या अल्लाह, लड़की बहुत खूबसूरत है, कौन है वो? जहन्नम से आई। पता नहीं, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। खैर छोड़ना ये बात, मैं एक खंजर भी खरीदूंगा जो कि लोग मेरे जान के पीछे पड़े हैं तो ये मेरा काम आएगा। ये ठीक रहेगा। ए, उसे क्यों उठा रहे हो? चुनाई है तो अच्छी चुनो। रुको, मैं देता हूं। कोई बात नहीं, वैसे भी इसका इस्तेमाल कौन करना चाहता है। फिर पहली तो तुम यहां हो क्या? मायन कॉक से कोई खबर आई? आप फिक्र मत कीजिए, मायन कॉक ने जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई। वो तो मुकाबला करने वाले पर निर्भर है,
वो कौन है पता लगाया? पता लग चुका है। वो एक जनाना योद्धा है, युआन सोहा। तब तो मैं खुद जाऊंगा। तो उस शहजादे को भी मारना चाहते हो? शाही दरबार चाहता है कि बलकार का शाही खानदान हमारी हुकूमत कबूल करे, ताकि दोनों मुल्कों में होने वाली जंगें और दंगा फसाद रुक जाए। लेकिन तुम हो के शाही खानदान के सभी अफराद को खत्म कर रहे हो। अब हुकूमत को तुम पर भरोसा नहीं रहा। अगर तुम्हें अपना नाम बरकरार रखना है, अपने इंतकाम की आग को बुझानी होगी। समझ गए? लाइए, खाना तैयार है जनाब। हमें खाना नहीं, रहने के लिए जगह चाहिए। बेशक जनाब, आपको कितने कमरे? दिखाई नहीं देता क्या? हम लोग दो हैं, दो यानी दो कमरे मिल जाएंगे। लेकिन हमें एक ही कमरा चाहिए, हम उसी में रह लेंगे। रात भर इसी तरह बैठने वाली हो? जब शहंशाह आराम फरमाते हो तो एक वफादार योद्धा को चाहिए कि उनके हरम के बाहर बैठकर जागते हुए पहरा दिया करे। देखो, अगर तुम्हें उल्लू बनना ही है तो अंदर बैठ के बनो ना। एक औरत होने की वजह से मुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आप बदनाम हो जाए। क्या हम भलाई में है? यहाँ हमें कौन देखने वाला है? भले ही जमाना हमें ना देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाले की नजर में हमारे शहंशाह के दामन में कोई दाग नहीं होना चाहिए। तुम ऐसी बात करती हो जैसे मैं वाकई शहंशाह बनने वाला हूं। मुझे शहंशाह बनना बिल्कुल मंजूर नहीं। वो लोग घेड़ौन की तरफ गए हैं। हमारे सरगना के आने का वक्त हो गया है। सुनो यौन साहा, तुमने कहा तुम फौजियों के साथ पली बड़ी हो, क्या तुम्हारे पिता फौजी थे? नहीं शहजादे। तो फिर कैसे? रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी। जब मैं 9 साल की थी तब 11 की फौजियों ने मेरे पिता को मार दिया। जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी माँ भी चल बसी। तब से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। आज हेडोंग पहुंचना मुश्किल है। रात गुजारने के लिए यहाँ एक जगह है, बहुत बढ़िया जगह है।
क्या कर रही हो? ये अगरबत्ती जला के जो मर गए हैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। उनमें मेरे अपने भी हैं और उन दुश्मनों की भी जिन्हें मैंने मारा। तुम अपने दुश्मनों की आत्मा के लिए भी प्रार्थना करती हो बिना किसी नफरत के या बिना किसी गुस्से के? कम से कम तुम्हें उनकी आत्माएं परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल, मैंने भी तलवार चलाना बलहाई में सीखा। तब एक कहानी सुनी थी कि भूत प्रेत लोगों के गुस्से, नफरत और हिंसा से जन्म लेते हैं और तलवार में जिंदा रहते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसी कहानियां सुना के मुझे डराते थे कि प्रेत आत्माएं खून पीकर खतरनाक बन जाती हैं और उस तलवार चलाने वाले को भी एक हैवान बना के छोड़ती हैं। जवान होते होते मुझे एहसास हुआ कि किसी भी सूरत में इंसान को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, हैवानियत तलवार की नोक तक ही रहनी चाहिए। आप बचपन में सुनी कहानियों में यकीन करते हैं? और तुम अपने खंजर का इतना ख्याल रखती हो ताकि ये तुम्हें दुष्ट शक्तियों से बचाएं, है ना? जी, मैं अपना खंजर उन्हें महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे लिए अजीज हैं। जब कोई भी तलवार उठाता है तो उसके दिल में कौन सा ख्याल आता है? महफूज? बिल्कुल नहीं, खून करने का ही ख्याल आता है, वही लाजमी है। देखो, मैं पहले भी तुमसे कहना चाहता था, इस तरह मुझे देखा मत करो, तुम्हारी नजरें मुझे कमजोर बना रही हैं। तुमसे मिलने से पहले मैं कितनी चैन और सुकून की जिंदगी जी रहा था। तुम यही इंतजार करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और हमें बहुत दूर जाना है। उस दुकान वाले से मिलने जा रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। मैं बस गया और आया। अरे सौसम, तुम यहाँ कैसे? अब बताओ, अचानक कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हारे पास जो रकम रखी है वो मैं वापस लेना चाहूंगा। लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ना पड़ेगा। शहर छोड़ रहे हो? तुमने क्या किया है? वो एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। रुको, मैं अभी आया। तो ये बताओ, इस पर कहां जा रहे हो?
पता नहीं, कहीं दूर जाना चाहता हूं। सौसम, एक बात बताऊं, कल तुम्हें ढूंढते हुए यहां कुछ लोग आए थे। कौन लोग? वो कह रहे थे कि वो कातिल फौज के लोग हैं और तुम्हें ढूंढ रहे थे। बात दरअसल यह है दोस्त कि वो लोग यहीं पे हैं। तुम समझते हो तुम मुझसे बोल सकते हो? तुम अपने शहजादे को नहीं बचा सकते। अंगजमा मुकेशो, तुम डोंगरांगों के साथ सहयोग करोगे? मैं सहयोग करूं? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है।
सुनो, अपनी जान की बाजी लगा के मुझे क्यों ले जाना चाहती हो? वो इसलिए कि आपको बलाई का शहंशाह बनना है। तुमने देखा कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा था। मैं सचमुच उस तख्त के लायक हूं। आप एक बेहतरीन शहंशाह बनेंगे। तुम ऐसा समझती हो, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन एक बात बता दूं, मैं तुम्हें बाजार में ही छोड़कर भागने वाला था। मेरे दोस्त की दगा की वजह से मैं नाकाम हुआ। अगर आप सचमुच भाग जाना चाहते थे तो इससे पहले भी आपको कई मौके मिले थे। तुम्हें पता है ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरा बलहाई जाने का कोई इरादा नहीं। अपने आप को बचाने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको जाना ही होगा। फिर वही बात, आखिर मैं किस लिए बलहाई जाऊं? मुझे एक वजह तो बताओ। वहां कोई भी नहीं है मेरा अपना। अपनी मां की मौत के वक्त आप उनके साथ नहीं थे। हम चानेगों के रास्ते ही जाने वाले हैं। वही उनकी मजार है। मैं एक ही बात जानता हूं, मेरे पिता और मेरे परिवार की बेइज्जती हुई है और बलहाई के शहंशाह ने उन्हें मरवा दिया। उन पर लगे इल्जाम बेबुनियाद नहीं थे। चाहे कुछ भी हो, शाही खानदान का नामो निशान मिटाने तक चैन की सांस नहीं लूंगा। शहजादे, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। पीठ पीछे वार करने पर कितनी तकलीफ होती है पता है? गैरोन के सरगना से फरमान आया है, उन्हें क्या जवाब दूं? कहो कि वो अभी तक नहीं मिले। यौन सोहक को मारने से पहले मैं लौटना नहीं चाहती। यौन सोहक को मार सकोगी? जब आपको हुक्म मिला है कि उसका खात्मा किया जाए तो मेरी कोशिश है कि आपकी तरफ से मैं ये काम करूं ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। उसे मारने के लिए तुम्हें 4 दिन देता हूं। उसके बाद ही मैंने यौन सह को देखा तो वो दिन देखने के लिए तुम नहीं रहोगी। आपके पीठ पर कई जख्मों के निशान हैं। तुम जो देख रहे हो वो पुराना जख्म है।
बचपन में बच्चों के साथ लड़ा करता था। ये जख्म मैदानी जंग से मिले हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने तो मैदानी जंग कभी देखा ही नहीं। मैं इस बात से वाकिफ हूं कि जब आपके पिताजी गैरोन के फौज से लड़ रहे थे तो आप भी उस जंग में शामिल हुए थे, महज 15 साल की उम्र में। शहजादे तेरा सामने देखिए, ये खून खराबा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। शहजादे, शहजादे, सब कुछ बिखरे पड़े हैं। उन्हें अपना सामान ले जाने का मौका नहीं मिला होगा। बेचारे अपनी जान बचाकर भाग गए होंगे। ये किस लिए? आपके जख्म पूरी तरह से भरे नहीं, इसमें सफर करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। मुझे आराम कहाँ, लाओ इसे मुझे दो। मैं करती हूँ शहजादे। आपको बढ़ाई का काम मालूम है? बिकाऊ चीजों की मरम्मत करनी पड़ती थी क्योंकि सब चोरी के माल थे, टूटना लाजमी था। अरे क्या देख रही हो, वही तो मेरा धंधा था। अच्छी तरह सोच लो, शहंशाह की झलक तक नहीं है मुझमें। तुम लोगों ने गलत फैसला लिया है। सरगना क्वेनवी, 15 साल के उस मासूम शहजादे को मैदाने जंग में बहादुरी से लड़ते देखकर हर फौजी उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। अपने चमकते हुए सुनहरे बख्तर को पहने उस खौफनाक मैदाने जंग में हमारे फौज की शान बांधे आप। तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? आपके अलावा और भी कई शहजादे उस जंग में शामिल थे, लेकिन आपकी जाबाजी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। हर फरियादी के लिए आप एक मसीहा बन गए थे। मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जो सोसम है वो किसी भी काम का नहीं है। वक्त बदल सकता है लेकिन किसी की पहचान नहीं। तुम गलत भी हो सकती हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पागल मत बनो। अगर तुम गलत साबित हुई तो खुदा पर से मेरा भरोसा उठ जाएगा। भेष बदलना जरूरी है। भलाई जल्दी पहुंचना है तो अंदर ही अंदर से जाने में ही भलाई है। अगर हम गेरों लोगों के भेष में न जाएं तो खामखा मुसीबत में फंस जाएंगे। हमारे फौज से लड़ने वाले ये लोग दुश्मन के आम फौजी नहीं हैं। ये लोग खुफिया फौजी हैं जो पहले गुनाह करके सजा काटकर आए हुए बदमाश लोग हैं। आमरण ने सिद्धांत में शिक्षा।
지금 저들은 발해의 민병대를 찾는 것입니다. 이곳에서 싸운 것은 발해의 정규 군사들이 아닙니다. 발해의 민병대입니다. 그냥 농사 짓고 나무 자르던 백성들입니다. लगा मुझे दो, यहां से मैं संभाल लूंगा। रहने दीजिए शहजादे, मैं उकता गया हूं, मेरा वक्त नहीं कट रहा। दो ना, तुम सो जाओ थोड़ी देर, या फिर कुछ गुनगुनाओ। गुनगुनाओ ना। Thank you.
तुम्हें हुआ क्या है सोहा? तुम परेशान लग रही हो। तुम मेरी जो मदद कर रही हो उसके बदले में मैं भी हाथ बटा रहा हूं, उसके लिए इतनी नाराजगी क्यों? आपने पूछा था ना मुझे हुआ क्या है। आप मरते मरते बचे हैं शहजादे, आपको हमारा शहंशाह बनना है। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं पूरे आवाम की अमानत है। पर अफसोस, आपके गलती से हम सब लावारिस हो सकते थे। तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। मैं इस रास्ते इसलिए आया हूं कि रास्ते में अपनी मां के मजार पे जा सकूं। चनागोग में आपको लेने के लिए हमारे एक फौजी को तैनात करने का मैंने इंतजाम किया है। क्या हुआ सोहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मैं ठीक हूं शहजादे। रुको, थोड़ी देर आराम करते हैं। हमें जाना होगा, मेरी वजह से हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अपना हाथ दो सोहा। माना कि अब मैं आपको बचा नहीं सकती, लेकिन आपको बदनामी से जरूर बचा सकती हूं। चलिए। तुमने कहा कि एक शहंशाह की जिंदगी उसकी अमानत नहीं होती, क्या उसे तब भी भाग जाना चाहिए जब उसकी हिफाजत करने वाला खुद मर रहा हो? चलो मान लो कि मैं बलहाई का शहंशाह हूं। तुम कहती हो कि मैं कैसा शहंशाह बनूं जो हमेशा खुद के बचाव के बारे में फिक्र करता रहे और अपनी बेबस प्रजा को मरते हुए देखकर भी अपना मुंह मोड़ ले। यही शहंशाहियत है? अगर यही बात सच है तो मैं कभी शहंशाह नहीं बनना चाहता। छोड़ दीजिए, आपके फौजी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका वफादार फौजी योजेंसु हूं। शहजादे जियोनगोंग, आपको मेरा सलाम कबूल हो। सोहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? चाचा जी। हाँ। अपने शहजादे की हिफाजत कीजिएगा। सोहा। कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? ये बताइए, इससे हुआ क्या है? इसके बदन में जहर फैल चुका है, सांप का जहर। लगता है बचना नामुमकिन है।
खबर मिली है इन संजो की फौज जियांगयांग की हिफाजत के लिए निकली है। इसका मतलब क्या है जानते हो? अगर वो लोग यहां आ गए तो हम नाकाम हो जाएंगे। वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। शाहिद दरबार ने इस बीच एक और काम किया है। उन्होंने सुनहरी फौज को यहां भेजा है। अब तो सुनहरी फौज इस शहजादे को पकड़ेगी। कोई नया काम सौंपने तक खातिल फौज को इंतजार करना होगा। लेकिन यह हुकूमत का हुक्म है, क्या तुम उसके खिलाफ कदम उठाओगे? गुनवा पेयून की वजह से मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। जो काम तुम्हें सौंपा उसको तुम्हें अंजाम देना चाहिए था, लेकिन अब सुनहरी फौज को उस काम के लिए भेजना पड़ा। अगर सुनहरी फौज इस मकसद में कामयाब हो गई तो मैं तुम लोगों से किया वादा निभा नहीं सकूंगा। ये काम हमें ही दीजिए, इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। मैं मजबूर हूं, मुझे भी हुकूमत को जवाब देना है। लेकिन एक रास्ता है तुम्हारे सामने। इस मकसद के लिए तुम अपनी जान दे सकती हो? हां बिल्कुल। मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना? मत भूलिए मैं एक योद्धा हूं। अगर गुनवा पेयून को जिंदा देखना चाहती हो तो यही एक रास्ता है। समझ गई ना?후회하지는 않으십니까? 나라를 바꾸신 것에 대해서. 왜? 너무 예쁘지 않아? 왕은 चाहे जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आप वही मेरा वतन है। आप जिनके लिए जो भी काम करेंगे मैं आखिर तक आपका साथ देती रहूंगी, अपनी आखिरी सांस तक। आखिरी शहजादे को मारकर हम अपने सपने को सच में बदल देंगे। कैरोन की मदद लेकर बलहाई की सरजमी पर हम अपना अलग साम्राज्य बनाएंगे। अब वो खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। अब आप अपनी मां की मजार जा सकते हैं।
याहू चोलों ने कहा है कि हमें फौरन निकलना चाहिए सुनहरी फौज के पहुंचने से पहले। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सुनहरी फौज से कोई खबर मिली? हाँ खबर मिली है। उनके रास्ते में अगर कांटा बन गए तो वो लोग तुम कातिल फौज को भी नहीं बख्शेंगे। शहजादा जोंगजोंग को मार दिया जाएगा चाहे उसे कोई भी ढूंढ निकाले, कातिल फौज या सुनहरी फौज। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अब भी उसे मारना चाहते हो? हुकूमत उसे जिंदा पकड़ना चाहती है। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? बलहाई की फौज ने तुम्हें मार दिया या फिर शहजादे जोंगजोंग ने खुद, तो उसके बदले मुझे मजबूरन जोंगजोंग को मारना पड़ा। ये कहानी कोई भी मान लेगा। बदजात कहीं के, इस कुत्ते की मौत की खबर फौरन सुनहरी फौज तक पहुंचा दी जाए। अभी आपको लौट जाना चाहिए। सोहा होश में आ गई होगी। आपको अकेले छोड़ के। आपका नाम जो चंसू है ना? जी हां शहजादे। आप जाने पहचाने से लग रहे हैं। मैदाने जंग में मैंने आपको एक दो बार देखा है, क्योवी की जंग के दौरान। आपकी पीठ में जो जख्म हुआ है वो पूरी तरह से भरा है या नहीं? शहजादे, सेनापति जुचेंद्र तशरीफ लाए हैं। मैं सेनापति जुचेंद्र हूं शहजादे, मुझे आपके हाल जाने के लिए भेजा गया है। आपके जख्म बहुत ही गहरे हैं। आपके इलाज के लिए मैं राजमहल से हकीमों को बुलवाता हूं। अफसोस है, तब तक आपको सबर करना होगा। अब मुझे याद आया, उन दिनों आप हमारे सेनापति थे जो चंसू। आप अपनी मां की मजार पे जाकर उनके लिए दुआ मांगिए। जरूर। सोहा, तुम जाग गई, चलो शुक्र है। शहजादे नजर नहीं आ रहे हैं। वो अपनी मां की मजार पर गए हैं। रात भर जाग कर शहजादे ने तुम्हें पहरा दिया है। पेंग आ रहा है। सुहा, क्या इसी से पता चलता है कि गुनाह पेंग शिकार पर निकला है? शहजादे की जान खतरे में है। मां, मैं आ गया हूं। मां, आपसे किए वादे के मुताबिक आज तक मैंने कोई खतरा मोल नहीं लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
जो चंशी हो ना, जो बधाई का सेनापति हुआ करता था। मुझे तुम्हारा इंतजार था गुना पायुंग, मैं तुम्हारे जुर्मों के बारे में काफी कुछ सुन चुका हूं। सोहा तुम चली जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, जल्दी जाओ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं गुना पायुंग, अब तुम्हारे जुर्मों का दिन खत्म हो गया है। जाना चाहिए। अब तुम ठीक हो गई? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी चलिए। माना तुम उम्मीद से बढ़ के निकले, लेकिन अफसोस कि तुम उस जाबाज की परछाई बन के रह गए। मुझे कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। कमजोरी महसूस हो रही है ना? मैं जानती हूं तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। जब बदन में जहर हो और तब तुम अपने दाव पेश करोगे, तुम्हारे बदन का खून बेकार हो जाएगा और तुम मर जाओगी। जो जिंदगी का हर लम्हा मर मर के जिया हो, उसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती।너 어떻게 된 거야? कहाँ है? जो जंशु मर गया, मैंने उसे मार दिया और मैं इससे भी मार दूंगा। अब एक ही अंजाम है, सिर्फ एक हमला जिसमें जान चली जाएगी। पता है बचने के लिए क्या चाहिए? दुश्मन को मारने का जुनून। कुनवा पेयुंग, ये तलवार किसी को मारने के लिए नहीं है, ये उनकी हिफाजत के लिए है जो अपने लिए अजीज है। तुम
सामने कोई रुकावट नहीं बन सकता, कभी नहीं। अब तुम वहीं बैठकर लाचारी से अपने शहजादे की मौत का नजारा देखना। वो तलवार, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिताजी ने एक जैसी दो तलवारें दो शहजादों को दी थीं? ये तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि डेसियोन को मैंने ही मारा है। ये तलवार चलाना तुम क्यों सीखना चाहती हो? मेरे पिताजी को, माँ को, सबको गैरान लोगों ने मार दिया। ये तलवार मुझे दो, मैं सबको मार दूंगी। तलवार किसी की जान लेने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती है, ये अपनों को और अपने अजीज को बचाने के लिए होती है। एक बात बताओ, ये तलवार तुम्हारे पास क्यों है? इसी तलवार से मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुम शाही खानदान के आखिरी वारिस हो। तुम गलत हो। जैसा तुम समझते हो वैसी कोई अनोखी शक्ति नहीं है उस तलवार में, लेकिन सुहा की इस तलवार में उसकी वफादारी और आत्मविश्वास की शक्ति समाई है। उस आत्मविश्वास को बरकरार रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तलवारबाजी में खतरनाक दांव भेजे देशियों और जूचेंशु को मैंने उसी दांव से मारा, और अब तुम्हें भी उसी दांव से मारूंगा। बलहाई का शाही खानदान खत्म। तुम जानते हो फौज का यह सिर्फ एक ही दांव पेच था जिसे मैंने पूरी तरह से सीखा। मुझे लगता है कि तुमने ये नहीं सीखा कि अंदरूनी सदमे से कैसे पार होना है। शुरू से मैं जानता था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते।
क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए कि आपके हौसले पर कोई असर न पड़े। मैं पूछ रहा हूं, तुम वाकई समझती थी कि मैं शहंशाह बनूंगा? मेरे दिल में जरा भी शक नहीं था। पहली नजर में मैं जान गई कि आप बेहतरीन शहंशाह बनेंगे। उसकी झलक मैंने आप में 14 साल पहले ही देख ली थी। तुम्हारे बिना मैं यहां तक पहुंच नहीं सकता था। तुम मेरे लिए जीने का मकसद बनी। जब मैं जिंदगी से हारा हुआ था, मैं भी पिछले 14 सालों से आपकी इबादत करती आ रही हूं शहजादे।전남주인 전지 장군과 그의 병사들입니다. 저들을 맞을 준비를 하십시오. 소아. 전 틀렸습니다. 무슨 소리 하는 거냐? 모든 게 끝났다. 이제 다 왔어. 잠시만. 잠시만 이대로 있어주세요. 부탁입니다. 전하, 전 약속을 지켰습니다. 네 목숨은, 네 목숨은 지키지 못했다. 목숨보다 소중한 걸 지켰습니다. 검은 소중한 것을 지키 기회 드는 것이옵니다. 그렇죠.
성을 빼앗기고 땅을 빼앗기고 나라를 빼앗겼다. 저들은 우리의 돈마저 잃어나고 성의 이름마저 바꿔놓았다. 수많은 사람들이 죽어갔다. 그들은 우리에게 말하고 있다. 자신들이 잃어버린 소중한 것을 되찾아달라고. 그렇게 우리는 이 싸움에서 결코 물러서지도 패배하지도 않을 것이다. 칼이 부러지면 맨손으로 싸울 것이고 힘이 떨어지면 방광으로 적을 찌를 것이며 눈마저 찔리면 펴라서 저들의 죄를 하늘에 알릴 것이다. 저들이 결코 이 땅에서 우리의 것을 빼앗아갈 수 없음을 알게 할 것이다. 이제 이 성은 다시 호란성으로 바뀔 것이며 우리는 나라를 다시 찾을 것이다. 87. "전하를 모시고 갈 의병들이 도착했습니다." "종장, 말씀하시죠." "이 아이 부모를 모두 잃었다네. 자네야 좀 돌봐주게." "잘 알겠습니다." "내가 해준 말 모두 기억하니?" "네." "항상 잊지 말고 그대로 지키겠다고 약속할 수 있겠니?" "네, 약속할게요."
dreams I see your face, all the light from in your eyes. All this time I wanted you so near, hear the pain inside my heart. All the love I have to give, and now it's all so clear, my love. I give it all away to you. Oh, I need you, dear. Inside me, I'm so scared. I will give my soul to soon be with you tonight. I can see your face, your lovely smile. Maybe I will run a million miles just for a kiss to be back in your arms again. All I want is you. Remember, all I am is you. This is true. From the loneliness inside, when all I needed was a kiss from you to stop the pain inside. All the love I had to give, I give it all away to you.